तो हेलो वेलकम टू चैनल। तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं दृश्यम 2 के जो ऑफिशियल कलेक्शन आया उसके ऊपर और जो अभी हनुमान का ट्रीजर रिलीज हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं हनुमान के ट्रीजर के ऊपर, ठीक है। पिछले साल से इसके लिए वेट कर रहे थे अपन कि इसका ट्रीजर कब ड्रॉप होगा, कब ड्रॉप होगा, इसका ट्रीजर कब से आ जाता, मगर अधिपुरुष का जो ट्रीजर था वो ड्रॉप होने वाला था। इसके वजह से जो हनुमान के मेकर्स थे उन्हें अपने ट्रीजर को डिले कर दिया। अधिपुरुष का इतना बैड रिस्पॉन्स देखने के बाद अब जाके हनुमान का भी टीजर रिलीज हो चुका है। और इसको देखने के बाद मैं सच बोलूं ये मुझे अधिपुरुष से बहुत बेटर लगा। इसका VFX ले लो, थोड़ा सा ही देखने को मिला मगर जितना भी मिला मजा आ गई, ठीक है ना। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि इसका जो बजट है वो अप्रोच 20 करोड़ रुपए ही बता रहे थे, 15 से 20 करोड़ रुपए, ठीक है। तुम सब मिला के 30 करोड़ पकड़ लो, मगर तो भी 30 करोड़ के अंदर ऐसी मूवी बनाना और जितने भी VFX अपन को देखने को मिले वो बढ़िया दिखता है, ठीक है। हाँ, सब VFX शॉट है वो इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, मगर इसका बजट के हिसाब से तो अच्छी थी, ठीक है। और सिर्फ अभी तो पिक्चर रिलीज होने में टाइम है तो तब तक इसको रेंडरिंग करके अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन को इसका कुछ रिलीज डेट नहीं बताया कि ये कब रिलीज होगी, अभी से भी इसका ट्रीजर आया, इसका ट्रेलर अभी आ ही जाएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है जब हनुमान जयंती होगी तब इसका ट्रेलर लॉन्च करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं दृश्यम 2 के ऊपर, ठीक है। और भाई साहब, ये दृश्यम 2 मतलब कि रीमेक होने के बाद भी जिस हिसाब से इसके नंबर जा रहे हैं तो ये 100 करोड़ आराम से पार कर लेगी। और बॉलीवुड का जो 2022 का इतना पूरा समय चल रहा है उसके अंदर ये एक अच्छी चीज़ दिखी है कि अगर आपने रीमेक भी बनाई वो भी अच्छी चल रही है, बस वो ऑडियंस से कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके दृश्यम 1 जो इसका पार्ट 1 था लोगों से कनेक्ट हो गए, इसके वजह से इसका पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। और दूसरा मेन रीज़न है कि इसकी जो दृश्यम 2 है हिंदी डब अवेलेबल है नहीं किधर भी, ठीक है। अगर तुम्हें देखना है तो सबटाइटल के साथ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके वजह से इसकी जो हिंदी बेल्ट में जो ऑडियंस है वो इसको देखना चाहती है क्योंकि सब लोग को सबटाइटल के साथ देखना पसंद नहीं है, ठीक है। और यही चीज अपन को इसके जो कलेक्शन आ रहा है उसमें भी पता चल रहा है, ठीक है। अब अपन बात करें तो इसका बजट कुछ 50 से 90 करोड़ बता रहे हैं, अपन 90 करोड़ पकड़ के चलते हैं, ठीक है। एक तो अधिपुरुष के बाद इतना खराब रिस्पॉन्स मिला है, सब अपने जो बजट है वो सब छुपा रहे, ठीक है, कोई एक्चुअल बजट बताता ही नहीं है कि इतने में बनी है, ठीक है। तो इसका बजट अपन 90 करोड़ पकड़ते हैं सबसे ज़्यादा वही है, ठीक है। उस हिसाब से जो इसका डे 1 का कलेक्शन था वो था 15.38 करोड़, जो डे 2 का कलेक्शन था वो था 21.59 करोड़, डे 3 का जो कलेक्शन था वो है 27.17 करोड़ और डे 4 का 11.87 करोड़, ठीक है, मंडे का। तो टोटल 76 करोड़ होता है, ठीक है, इंडियन नेट कलेक्शन। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 109 करोड़ उसने पार कर लिए, ठीक है। तो देखो दृश्यम 2 को हिट होने के लिए जो इंडियन बॉक्स ऑफिस पे नेट 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना पड़ेगा, ठीक है। अभी उसने 76 करोड़ पार कर चुके हैं और अभी ये हफ्ता पड़ा हुआ है और इस हफ्ते में कोई बड़ी पिक्चर भी नहीं आ रही है, तो ये 100 करोड़ पार कर सकती है और हिट का टैग ले सकती है। अब अगर आगे जाके इसका ड्रॉप बहुत ज़्यादा ही ड्रॉप देखने को मिला तो भी ये 90 करोड़ तक तो पहुँची जाएगी, अपना जो ये बजट है वो कवर कर लेगी इंडियन नेट में, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में तो इसने 109 करोड़ पार कर लिए, ठीक है। तो बस यार ये वीडियो याद आके रखते हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक या डिसलाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो बोलता वही बोलूँगा। फॉलो देम, पीस आउट, बाय, सब्सक्राइब करो।